विराट कोहली के नेतृत्व में भारतीय क्रिकेट टीम ने आईसीसी विश्व कप 2019 में 5 बार की विश्व विजेता और डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 36 रन से हराकर 20 वर्ष से चले आ रहे उसके एक आधिपत्य का खात्मा कर दिया। दरअसल ऑस्ट्रेलिया टीम ने पिछले 20 वर्षों में आईसीसी विश्व कप के लक्ष्य का पीछा करते हुए कोई मैच नहीं हारा था। विराट कोहली की टीम ने उसके इस विजय अभियान पर रोक लगा दी है। इससे पहले 1999 में इंग्लैंड की मेजबानी में खेले गए आईसीसी विश्व कप में ऑस्ट्रेलियाई टीम पाकिस्तान के खिलाफ लक्ष्य का पीछा करते हुए 10 रनों से मैच गवा बैठी थी। इसके बाद से ऑस्ट्रेलिया ने विश्व कप में कुल 19 मैचों में लक्ष्य का पीछा किया है और सभी मुकाबले जीते हैं। आईसीसी विश्व कप में ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 12वां मुकाबला था, जिसमें से भारतीय टीम को 4 मैचों में जीत मिली है और 8 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। भारत की मौजूदा विश्व कप में ये लगातार दूसरी जीत है। भारत ने अपने पहले मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को 6 विकेट से हराया था। वहीं ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम की मौजूदा विश्व कप के 3 मैचों में ये पहली हार है। ऑस्ट्रेलिया ने अपने पहले मुकाबले में अफगानिस्तान को 7 विकेट से और दूसरे मैच में वेस्टइंडीज को 15 रनों से शिकस्त दी थी, लेकिन इस बार भारतीय टीम ने 36 रन से ऑस्ट्रेलिया को हराकर डिफेंडिंग चैंपियन को 20 वर्ष से चले आ रहे उसके एक आधिपत्य का खात्मा कर दिया है।